हकीकत की तलाश में फिर निकला हूँ घर से, मंजिल कब कुछ पता नहीं, पूछ लूँगा इस सफ़र से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो स्कूटर राइड मैंने किया, इसमें क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कभी बर्फ़ है तो कभी ब्लैक आइस, कभी थंडरस्टॉर्म, और सबसे बड़ी बात मैंने नॉन स्टॉप अरुणाचल प्रदेश से मुर्शिदाबाद, वो भी 1100 किलोमीटर, वो स्कूटर में 36 आवर्स में कंप्लीट किया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 12 अप्रैल और मैं जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट। आज जा रहा हूँ मैं अलीपुरद्वार तक, कोचबिहार, जो मेरे डोम क्लब में ऑफिस से 525 किलोमीटर ऐसा कुछ दिखा रहा है गूगल भाई। तो आज तो ये जानी एपिक होगा क्योंकि अभी तो 11 बजने वाला है और मुझे सामान वगैरह सब इंस्टॉल करके निकलते निकलते 12 बज जाएगा। अकॉर्डिंग टू गूगल मुझे रात को 1 बजे मैं पहुँचूँगा, देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं। चलो बने रहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करना क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेटेड करता है। एंड ऑलवेज बी ए रिस्पॉन्सिबल राइडर। ओके चलो, मेरा गाड़ी वार्म अप हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो ऊपर वाला सबका मंजिल सही तरह से पहुंचा दे, मुझे भी मेरे मंजिल तक पहुंचा दे सही सलामत। तो मैंने 2 किलोमीटर चलने के बाद देखा फुल फ्यूल नहीं है, फिर मैंने एक शॉप से लिया हूँ, आगे है 15 किलोमीटर पहले, ठीक है 1 लीटर ले लिया चला जाएगा। ये मैं पहुँच गया सुंदरपुर घाट, और रास्ता देखो भाई, क्या भाई तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं ये 530 किलोमीटर अभी नहीं कर पाऊंगा, रात 1 बजे कर लूंगा गूगल टाइम के अनुसार। अरे बाप रे बाप, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा। तो मोरगाम दिखा रहा है और पलसा डांगा अनंतपुर इन 34 ए है, तो इसके बाद आएगा मोरगाम, ठीक है डालखोला 248 पहुँच जाएंगे भाई, पहुँच जाएंगे। तो दिल की बात सुन लो भाई, पप्पू की बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन गर्मी उससे भी ज़्यादा मजा ही देते हुए क्या बताए। अब ये आ गया मैं बहरमपुर फरक्का टोल गेट, लेकिन एज यूजुअल मुझे टोल नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ दो जगहों में टोल देना पड़ता है, एक है जमुना एक्सप्रेसवे और एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो ठीक है कोई बात नहीं, पीछे वो बम्पर मुझे दिखाई नहीं दिया, ज़्यादा स्पीड भी नहीं था, डाइवर्सन मिलेगा वो देख के चलना पड़ेगा। और पॉट होल्स
बकेट लिस्ट में था अरुणाचल, जो होगा देखा जाएगा, निकल पड़े हैं भाई। चलो आप भी बने रहे, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, एक लाइक तो दे देना भाई। तो हम फरक के बहुत नज़दीक पहुंच गए और टाइम अपडेट अभी 2:30। ठीक ठीक है, मैं शेड्यूल के हिसाब से ही चल रहा हूँ। और ये देखो भाई, अच्छा लग रहा है। एक से 15 किलोमीटर मैंने चला लिया अभी तक, बाद मुझे 2.5 घंटा लगा। ठीक है, एक से 25 किलोमीटर मैं चलाया, अच्छा है, नॉट बैड, क्या बोलते हो? और वेदर के बारे में क्या बताए, गर्मी है बहुत, उसके अलावा खूबसूरत भाई, बहुत ही खूबसूरत। तो हम फरक्के के ऊपर से जा रहे हैं भाई, बचपन की यादें ताज़ा हो गया। बचपन क्यों, अभी भी जितनी बार ये ट्रेन लाइन से होके जाते थे फरक्का के ऊपर से देखते थे, ओ भाई साहब कितना पानी है, कितना पानी देखो भाई। राइट तरफ अच्छा बांग्लादेश, अरे है, अरे रे 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 क्या, अरे भाई कहीं से भी, इससे खड़ा मतलब रहना नहीं, स्टैंडिंग अलाउ नहीं है, नहीं तो थोड़ा रुक के नया वाला वो इससे बना रहे, कैमरा तो जस्टिफाई नहीं करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और मेरा गुड लक है कि अभी भी ट्रैफिक है लेकिन मूविंग है, ठीक है, मूविंग ट्रैफिक, और ये बहुत ही बड़ा है, शायद 109 टोटल गेट। तो चलो इसके बाद आएगा मालदा, तो मैं 20 मिनट से लेट चल रहा हूँ, तो 20 मिनट में मेकअप कर दूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि इसके ऊपर से अपना स्कूटी लेके जाएंगे। क्या से क्या हो गया, वाह भाई वाह, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जा रहा है, टोल प्लाजा, और एज यूजल मुझे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन क्या नाम है, फरक्का रायगंज हाईवे। ओके, तो अभी फरक्का को बाय बाय करते हुए हम नॉर्थ बंगाल में एंटर कर गया, रायगंज के तरफ जा रहे हैं। वाह 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 वाह, ला 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 ला। अब इतना 70 में क्रूज कर रहा हूँ, 70-80 पे, और गाना गा रहा हूँ, मतलब गाना तो कैसे, विंड नॉइज के बदल, देखते हैं कैसा आता है, मेरा जुगाड़ काम का है कि नहीं। तो पीछे जब 60 किलोमीटर के बाद, 65 किलोमीटर के बाद पहला ब्रेक लिया था, उसके बाद अभी 70-80 किलोमीटर चला लिया, अभी कालिया चौक आने वाला है, सोच रहा तो कालिया चौक के बाद ही कहीं पे थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेंगे, ठीक है,
बने रहिए। और कैसा लग रहा है भाई, आ जाओ तुम भी आ जाओ, इस रास्ते का मज़ा ले लो भाई, राइड करो। अरे जो भी है आपके पास वही चलेगा, ये मत सोचो कैसा बाइक है, लोअर सीसी है, कैसे जो भी है। ये तो मैं स्कूटी लेके इतना राइड कर चुका हूँ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी हायर सीसी क्यों नहीं है, ठीक है चल रहा है। चलो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये डाइवर्सन दो अच्छा बात है, लेकिन डाइवर्सन के लिए थोड़ा पेंटिंग मतलब कलर तो अच्छी तरह से करो भाई, दूर से अगर नहीं दिखाई दिया तो बस। यही एक छोटी सी बात मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। ओल्ड 60 माइल भाई, अभी अभी यहाँ पे एक लाइव एक्सीडेंट हो गया, देखो क्या हाल बना दिया भाई। क्या हाल बना दिया, देखो लाइव एक्सीडेंट हो गया अभी अभी। इसलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज बी आर रिस्पॉन्सिबल राइडर, ऑलवेज। तो अभी जो आने वाला है वो है मालदा बाईपास, तो मालदा बाईपास पहुँचने के बाद मैं रुकूँगा एज आई से बिफोर। तो सो फार सो गुड, कैसा लग रहा है? मैं खुद को बातें करते करते खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि टारगेट 600 के आसपास नॉट आ इजी, जो ठीक है यही करने तो आए थे। चलो तो मालदा बाईपास आने वाला है और 1 किलोमीटर, लेकिन पिछले 2-3 किलोमीटर से रास्ता बहुत ख़राब है भाई, मतलब इतना पॉट होल से क्या बताएं। जो भी इधर से जाने वाले थे वो आप लोग ध्यान से चलाए, क्योंकि पॉट होल है बाबा। अभी हम जाएंगे मालदा बाईपास, तो ये रहा लिफ्ट वाला चला गया मालदा की तरफ, हम लोग राइट में जाएंगे मालदा बाईपास की तरफ। तो ये चला गया मालदा और ये है मालदा बाईपास, ठीक है। बहुत दिनों से इसका वीडियो देखा था लेकिन कभी मौका नहीं मिला, आज मौका मिल गया तो चौका क्यों नहीं मारे भाई, चौका मार दिया जाए। और फ्यूल अप भी कर लिया मैंने, जिनका सेकंड और एक बार करने से पहुंच जाएंगे हम कूचबिहार। और टाइम अपडेट 3:30 बजे अभी। चलो तो मालदा को बाय बाय करते हुए हम आगे बढ़ते हुए तावांग। और क्या मस्त मशीन भाई, ये जो एंटर है ना, दिल जीत लिया मेरा। वैसे मेरे पास कोई और ऑप्शन भाई नहीं था, लेकिन जो है भाई बहुत अच्छा है। ओ भाई साहब क्या मस्त रोड है भाई।
देखो मैंगो ट्री, मालदा है और मालदा का आम का पेड़ नहीं देखा तो क्या देखा भाई। आहा, क्या मस्त है भाई, क्या मस्त है। बाईपास तो बहुत अच्छा बनाया, मतलब अभी तक जितना रोड मिला मुझे फराक्का रायगंज वाला, बहरमपुर फराक्का वाला, लेकिन सबसे अच्छा यही लगा मुझे अभी तक। बटर स्मूथ भाई, बटर स्मूथ, नया कंस्ट्रक्शन है इसलिए शायद इतना। और नारायणपुर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। क्या रोड भाई, क्या रोड, क्या रोड बनाया भाई। आहा, मालदा बाईपास पे आके लगता है जैसे राइड में जा रहा है भाई, एक सही बात। और गजल 22, चलो बने रहे हो, बने रहना भाई, बने रहना मेरे साथ, बने रहना। अरुणाचल प्रदेश ट्रिप बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत धमाल मचाएंगे, एंजॉय करेंगे और क्या, अपने राइड को और आपको साथ अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप्स शेयर भी करेंगे। मैंने ले लिया है रायगंज बाईपास, लेकिन बाईपास में तो एक भी बंदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। देखो अरे भाई, यहाँ से तो एक व्यू मस्त आ रहा है, थोड़ा लेते हैं, सनसेट हो रहा है, पता नहीं कौन सा रास्ता पे मैंने आ गया, बाद में देखते हैं। अब सोचो कितना बारिश हो रहा है, अब क्या करें, देखते हैं बारिश रुकने के बाद। अभी टाइम अपडेट है, 9 बजने वाले।